अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा, डायरेक्टर एआर मुर्गदोस और प्रोड्यूसर विपुल शाह के साथ इनकी अपकमिंग फिल्म हॉलिडे को प्रमोट करने आए बिट्टा साहब। तन्हा, तन्हा, मेरे बाद में अश्क ना हो। जी हाँ, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन MS बिट्टा ना सिर्फ इस प्रेस मीट पर हॉलिडे को प्रमोट करने आए, बल्कि एक सोल्जर की लाइफ पर बेस्ड इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की अपनी मांग पर भी इन्होंने शेयर की ये डिटेल्स। ऐसी मूवी बार बार बने, ऐसी मूवी बार बार आए, घर बैठे हुए हर व्यक्ति, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हर स्टूडेंट इस मूवी को देखे, उसका टैक्स फ्री हो, तो मैं बार बार नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने लेटर लिखा है, एक बहुत बड़ी मिसाल होगी, छोटे से लेके बड़े तक इस मूवी को देखे। तेरे मिलूंगा मैं। जिन्होंने गोली बम खाते हुए शरीर के ऊपर अपना जीवन देश के लिए निछावर कर दिया, आज उनके बच्चे, आज उनकी पत्नियां जब ये मूवी को देखेंगी तो उनकी आंखों में आंसू जरूर होंगे कि आज अक्षय कुमार जी, आज सोनाली जी, आज उपाध्याय जी, आज शाह साहब, जिन्होंने एक बड़ी मेहनत का काम किया है, उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं। वैसे जस्ट टू क्लैरिफाई, सोनाली से बिट्टा साहब का मतलब सोनाक्षी ही था, लेकिन एनीवे, इतनी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी के सामने अपने नाम को लेकर सोनाक्षी बिल्कुल भी पजेसिव नजर नहीं आई। अक्षय कुमार जी और शाह साहब, सोनाली जी, उपाध्याय जी, मैं खुद इनके पास आया और जब मूवी मैंने देखी तो शायद बम्बों और गोलियों से मैं कभी आंखों में मेरे आंसू नहीं आए। मेरे शरीर में पूरा लोहा भरा हुआ है, लोहे की प्लेट्स है, मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं आए, दर्द से कभी आंसू नहीं आए। पर उस दिन जो अक्षय कुमार जी का, सोनाली जी का जो रोल देखा, जो सबने मेहनत की, मैं अपने आंखों में आंसुओं को रोक नहीं पाया। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, फौज में सीक्रेट एजेंट, ये बात मेरी फैमिली को भी नहीं पता। तुम लोग परिवार के साथ यहाँ चैन से जियो, इसलिए हम लोग रोज बॉर्डर पर मरते हैं। एंड ऑफ कोर्स, इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की ये पहल कितनी आगे तक पहुंची है एट द PM's ऑफिस, इस सवाल पर बिट्टा जी ने PM नरेंद्र मोदी से अपनी और भी कई सारी उम्मीदों के बारे में बता दिया। जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, हमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ के बहुत उम्मीद है। आज ही मैं सुबह एयरपोर्ट में मैं न्यूज सुन रहा था नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने ये आज कह दिया कि हिंदुस्तान के अंदर हर जवान CRPF, पंजाब पुलिस, बॉम्बे पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, फौज, जो भी जवान आज तक शहीद हुए उनके परिवार को, हर परिवार को नौकरी होगी, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन होगी, ये एक जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ होगा, और आप अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इस मूवी का मकसद पैसा कमाना नहीं है, इसका मकसद एक ही है कि अवेयरनेस पैदा करना। हाँ, आफ्टर ऑल दिस सीरियस डिस्कशन, इस प्रेस मीट पर एक सवाल ऐसा भी आया जिस पर अक्षय ने खोल कर रख दी अपने डायरेक्टर की पोल, जिससे डायरेक्टर साहब भी हो गए एम्बैरस। देखिए ये पूरा कॉन्वर्सेशन। यू अपेरेंटली टॉट हिम हाउ टू डिसमेंटल एंड रिकंस्ट्रक्ट अ गन। नॉट हिम, नॉट हिम, नो, नॉट हिम, ही डिडंट टॉट द फाइट कोऑर्डिनेटर ड्रैग पावल। गन के बारे में उनको कुछ नहीं पता। उनको कुछ नहीं पता। और अपेरेंटली यू आर द वन हु प्लान्स एंड पता चले आपने उनको गन दे दिया, बोले अभी डिसमेंटल करके दिखा दीजिए, एंड ही मे जस्ट बीट मी अप ओनली नाउ। नो, बट अपेरेंटली आल्सो यू आर कांस्टेंटली, देयर इज नो बेटर पर्सन देन टू प्लॉट टू किल अ मैन। यू ऑलवेज प्लॉटिंग एंड यू हैव वेरियस स्कीम्स गोइंग इन योर हेड। हाउ ट्रू इज दैट? आई मीन यू आर दिस वेरी विशियस। आई विल टेल यू आई से आपने बहुत चीजों को, मतलब इनका दिमाग जो है, अगर अभी ये बैठे हुए हैं यहाँ, ये यहाँ इस वक्त ये सोच रहे हैं, अगर आपने इनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, एंड ही इज़ अ लिटिल बिट फ्री, सो ही विल बी थिंकिंग अबाउट हाउ ही कैन प्लॉट टू ब्लास्ट दिस प्लेस। सो आई एम नॉट, वेट, द होल थिंग डजंट गेट ओवर, देन ऑल्सो एट द सेम टाइम ही इज थिंकिंग हाउ माई हीरो विल सेव इट, दैट ऑल्सो कम्स अलॉन्ग विद इट, बिकॉज ही, आई नो हिम, सी आई हैव सैट विद हिम For 90 days, I shot with him, and all the time he comes up with some idea or the other. He's narrated me so many scripts, so many ideas. Sir, you know one thing, yesterday only I thought, please sit here. 10 years back, he made a film called Ramanna, and you have to see that film. And I got that rights
we got the rights from him and we made a film called Kabbar now. That is the same film. Beautifully written at that point. At that point, he had thought about how to change the system. How violently to change the system, huh, by the way. And that is, am I right, sir? So you can't deny the fact that 10 years back, he has thought all these things. And so, this is spoiling your name. Hey, sir. Sir, you can't say that, sir. I'm spoiling on it. In his defense, I think he's a very peace-loving man. A very shant man. See how quietly he's sitting now. He's not... He's nothing like how he has described it. No, but he's thinking apparently, no? He's a very creative man. So, creative is what I was talking about. I don't say he really actually wants to hit everybody. और इसके बाद फिल्म के एक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस फिगर्स पर आकर ही खत्म हुई ये प्रेस मीट। You are the one who have given blockbuster गजनी। You are the one who have given 100 करोड़ का क्लब। Now the expectation is very high from the holiday. So when I was doing गजनी, I didn't expect it's going to create a 100 crores club or benchmark anything. So I just focused on my work. I wanted to do a good film. I worked hard and sincere. Like the same way I have worked again in the holiday. I hope the film will reach beyond the people's expectation. खैर अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का तो पता नहीं, बट इन सब की बातें सुनकर एक बात तो साफ है कि हॉलिडे है वन ऑफ इट्स काइंड फिल्म एंड इट रियली हैज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर ऑल द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री. जिसे कितने लोग अप्रिशिएट करेंगे ये तो फिल्म की रिलीज पर ही पता चलेगा. तुम लोग परिवार के साथ यहाँ चैन से जियो, इसलिए हम लोग रोज बॉर्डर पर मरते हैं. बहुत बड़े खतरे से टक्कर ले रहे तो स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे. अरे यार, ये बहुत रिस्की लग रहा है. कुछ नहीं करेंगे तो ज्यादा रिस्की है. बूम! सुरुचि महातपुरकर, कोरे, जिंक, मुंबई. इट्स लाइक अ सुसाइड अटैक. मैं आ रहा हूं तेरे पास, जहां मिला खत्म कर दूंगा. I'm waiting.